हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीम एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे वायरिंग डायग्राम के बारे में, या किस प्रकार से वायरिंग डायग्राम कनेक्शन करते हैं, या सिंगल लाइन डायग्राम या फिर सिमेट्रिक डायग्राम के बारे में। ठीक है, एक बल्ब में किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं ये हमने देखा। ठीक है, उसको हमने समझा। आज हम लोग देखेंगे कुछ दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए पहले आप। ठीक है, अगर नहीं बने तब फिर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लिखिए, कंट्रोल टू लैम्प, मतलब दो बल्ब है, कंट्रोल टू लैम्प बाय वन स्विच। कंट्रोल टू लैम्प बाय वन स्विच, दो बल्ब है आपके पास में और एक स्विच है। दो बल्ब है और एक स्विच है, उसमें आपको कनेक्शन करना है। आप किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे पहले एक बार ट्राई कीजिए खुद, फिर आप करिए। देखिए, जनरली ध्यान में दीजिए, घर में कनेक्शन करते हैं तो पैरेलल में करते हैं, तो हम लोग पैरेलल में ही करेंगे। हालांकि आप उसको सीरीज में भी कर सकते हैं। अगर एक ही स्विच से करना है तो आप कुछ इस तरह से भी बना दीजिएगा। ये आपका हो गया दो बल्ब और यहाँ पर आप एक स्विच यूज़ कर लीजिए। देखिए, हो गया, ये हमारा हो गया। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, आपका गलत नहीं होगा। लेकिन घर में हम लोग क्या किस में यूज़ करते हैं, पैरेलल में यूज़ करते हैं, तो हम लोग पैरेलल में बात करेंगे कि पैरेलल में किस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप एक बार आप खुद से बनाइए। ठीक, उसके बाद आप लेक्चर देख लीजिएगा, फिर से इसमें आपको बता दूंगा मैं, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। तब तक मैं भी आपके साथ साथ बनाता हूँ। पहले आप वायरिंग डायग्राम बना लीजिएगा, पहले लिख लीजिए वायरिंग डायग्राम। पहला कौन सा हो जाएगा, वायरिंग डायग्राम। ठीक है, देखिए आपके पास जो है एक स्विच है लेकिन बल्ब की संख्या दो है। एक ही स्विच से हमें कनेक्शन करना है दो बल्ब में। ठीक है, आप यहाँ पे कनेक्शन थोड़ा खुद के मर्जी से चेंज कर सकते हो, बशर्ते दोनों के पास फेज पहुँचना चाहिए और न्यूट्रल पहुँचना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए हमारा स्विच हो गया, ये हमारा एल वन, ये हमारा एल टू। यहाँ पर हमने क्या किया, दो पॉइंट बना दिया। वह दो पॉइंट किसके लिए होगा, जो होल्डर में रहता है लगा हुआ उसका दो पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एक आप फेज लाइए और स्विच से कनेक्ट कर दीजिए। एक फेज लाए, अब इसी फेज में हमारा ये क्या रहेगा, आपका फ्यूज रहेगा। क्या रहेगा, फ्यूज, और ये हमारा क्या हो गया, फेज। दूसरा जो होगा क्या, न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट करते थे, यहाँ से आप क्या करिए, न्यूट्रल लेके आइए और इसमें कनेक्शन दे दीजिए। ठीक है, इसको आप सॉलिड लाइन नहीं ब्रेक कर लीजिएगा, आपको बनाने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या करते थे कि यहाँ से हम लोग उठा के ले गए और इसमें कनेक्शन दिए। बताइए, ये बल्ब को फेज मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, है ना। जैसे ही इसको करेंगे ये हमारा ग्लो कर जाएगा, लाइट करेगा, और जैसे इसको ओपन करेंगे हमारा बुझ जाएगा, समझ में। लेकिन अभी इसमें कनेक्शन नहीं दिए। आप यहाँ पर दो टाइप से कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दो टाइप से कनेक्शन कर सकते हैं, या तो आप इसके फेज को उठा के इसमें डालिए और यहाँ से न्यूट्रल को इस प्रकार से आप कर दीजिए, है ना, इसके फेज से इसमें कर दीजिए और इसी के न्यूट्रल से आप इसमें कर दीजिए, समझे। या एक और कनेक्शन आप चाहो तो कर सकते हो, वो कनेक्शन कौन सा होगा उस चीज़ को समझिएगा। यहाँ से आप कुछ इस तरह से लेके आइए, डायरेक्ट स्विच से मैं बोल रहा हूँ, दोनों प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हैं और आप किस में दे दीजिए, फेज में दे दीजिए। देखिए, ये चूंकि सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में आपको आसानी होगा, इसलिए मैं कुछ इस प्रकार से बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम में आपको ये जब बनाओगे तो वहाँ पर आसानी होगा इससे। तो ये कुछ इस तरह से भी आप कनेक्शन कर सकते हो, या जो मैं पहले बताया था, सिर्फ यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, वो भी आप कर सकते हो। ठीक, तो हमने क्या किया, स्विच का ही एंड से लेके आया और इसको फेज दिया। अब बताइए, ये न्यूट्रल मिलेगा इसको कहाँ से, तो इसको न्यूट्रल जो होगा कहाँ से लाओगे आप, ये कुछ इस तरह से आप न्यूट्रल आप यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हो। ये बताओ, हो गया आपका ये न्यूट्रल। अब देखिए, यहाँ से फेज लेके आए, एक इसमें दिए और एक इसमें दिए, समझ में आया बात, एक फेज इसमें, एक फेज इसमें। अब एक फेज मेन से जो सप्लाई लाए थे आप, वो आप किस में, स्विच में कनेक्ट कर दिए। इस दोनों को न्यूट्रल की आवश्यकता थी, यहाँ से न्यूट्रल लाए और यहाँ तक लाए, और फिर इसी से न्यूट्रल ला के हम यहाँ तक दिए, समझ में आया क्या। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब समझिएगा एक चीज़, अब ये तो हमारा क्या था, वायरिंग डायग्राम था। अब इसके बाद हमें बनाना है सिंगल लाइन डायग्राम। क्या बनाना है, सिंगल लाइन डायग्राम, दूसरा नोट कर लीजिए, सिंगल लाइन डायग्राम।
अभी पहला था वायरिंग डायग्राम, दूसरा क्या होगा सिंगल लाइन डायग्राम। समझिएगा, यहाँ पे मैं ऐसा एज्यूम कर लूँ क्या कि ये हमारा क्या होगा, एक जंक्शन बॉक्स होगा। कौन सा जंक्शन बॉक्स होगा? थ्री वे जंक्शन बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वायर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नंबर ऑफ वायर काउंट कर रहे हो तब तो फिर सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब चूंकि स्विच का संख्या कितना है यहाँ पे, एक है, तो यहाँ पे चलो मैं एक स्विच बना देता हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, एक स्विच बना दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल लाइन डायग्राम है तो मैंने एक सिंगल लाइन डायग्राम मैंने बना दिया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बल्ब हो गया L1, ये L2, ठीक है, ये भी L1, ये भी L2, ये L1, ये L2, सिंगल लाइन डायग्राम है तो इसलिए हमने क्या किया, एक सिंगल लाइन बना दिया। अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ वायर काउंट करना। अब बताइएगा सर इस प्रकार से क्यों बना रहे हैं? अगर इस प्रकार से बनाते हो तो आप नंबर ऑफ वायर को ईजिली काउंट कर लोगे, बाकी आपको जैसे कनेक्शन बनता है आप बना लीजिएगा, ठीक है। बट ऐसा बनाते हो तो आपको थोड़ा दिखने में भी अच्छा रहता है और अस्पष्ट, सुस्पष्ट दिखेगा, ठीक है। जो भी सामने वाला होगा चेक करने वाला उसको थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो हो सकता है कि आपको अच्छा मार्क प्रोवाइड कर दे। समझ में आया क्या? अब देखिए सिंगल लाइन डायग्राम होगा, आप नंबर ऑफ वायर काउंट करके उस पर मार्क कीजिए एक बार। चलिए देखिए, ठीक है, होप सो मार्क किए होंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि जंक्शन बॉक्स यूज़ किए थे। ये हमारा क्या था, जंक्शन बॉक्स, कौन सा, थ्री वे जंक्शन बॉक्स हमने यूज़ किया, ठीक है। ये एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे थ्री वे जंक्शन बॉक्स हम यूज़ किए हैं। अब बताइए कि जंक्शन बॉक्स से स्विच के पास में टोटल नंबर ऑफ वायर कितना होगा? एक तो आप मेन से लाए थे स्विच में और दो वायर जो है आप दोनों लोड के लिए ले गए, मतलब एक लैंप वन और दूसरा लैंप टू, तो टोटल नंबर ऑफ वायर कितना, एक दो और तीन, बताओ। यहाँ पे मैं मार्क कर दूँ, एक दो और तीन, कोई दिक्कत? यहाँ पे हमने क्या किया, तीन वायर था, तीन वायर हमने यूज़ किया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमारा कितना है, ये जो पॉइंट है हमारा जंक्शन पॉइंट होगा, यहाँ से हमारा जो मेन है वहाँ तक कितना वायर रहा होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल, बताओ। यहाँ पे मैं अगर मार्क कर दूँ दो, कोई दिक्कत? हाँ, इस पॉइंट से यहाँ तक हमारा जो मेन से आया था कितना पॉइंट लाइन, कितना वायर था, सॉरी, दो, एक फेज और एक न्यूट्रल, आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए दो। समझ में आया? अब बताइए ये जंक्शन बॉक्स से स्विच बोर्ड तक में कितना आया, एक दो और तीन, यहाँ पे हमने कितना मार्क किया, एक दो और तीन। अब समझिएगा इस पॉइंट से इधर का कनेक्शन, इस पॉइंट से इधर का कनेक्शन। अब देखिए इस पॉइंट से लेके हम यहाँ इस पॉइंट तक का बात करते हैं, यहाँ तक आने के बाद हमारा L1 पे गया होगा, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ तक आया होगा, यहाँ से फिर L1 पे आया होगा। समझ में? कहने का ये मतलब है कि आपका ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक आया होगा, फिर हमारा कहाँ गया होगा, L1 पे। तो यहाँ पे कितना वायर है, देखिए अगर यहाँ पे पाइप, एक पाइप बिछा हुआ होगा तो एक ही पाइप से होके नंबर ऑफ वायर जा रहा होगा, है ना। अगर एक पाइप मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका है, देखिए ये अगर मान लीजिए पाइप है, यहाँ पे एक बल्ब आपने दिया, एक बल्ब आप यहाँ पे दिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप जंक्शन बॉक्स यूज किए, कुछ इस तरह से आपका ये पाइप बिछा हुआ होगा, है कि नहीं, ये जंक्शन बॉक्स होगा, तो इसी पाइप से ना आपका नंबर ऑफ वायर गया हुआ होगा। हाँ, तो इस पाइप से आपका यहाँ तक मान लीजिए नंबर ऑफ वायर आया, जितना भी नंबर होगा, उसके बाद इधर आया होगा बल्ब के लिए, और फिर जो भी होगा उसके बाद यहाँ से गया होगा, है ना, कुछ यहाँ से आपका ऐसा गया होगा, और यहाँ से आपका कुछ ऐसा भी आया होगा, कुछ इस तरह से आया होगा। तो मेरा कहने का मेन मकसद हमारा क्या है यहाँ पे, कि आप इस चीज़ को समझिए कि कुछ ऐसा पाइप हमारा यहाँ पे बिछा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल नंबर ऑफ वायर कितना होगा, इजीली अगर वायरिंग डायग्राम है तो आप काउंट कर लीजिएगा, एक दो और तीन। बोलिए यहाँ पे मैं मार्क कर दूँ तीन, कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से इस बल्ब के बीच में कितना वायर होगा। देखिए एक तो आपने मेन से लाया था, यहाँ स्विच से कनेक्शन देके यहाँ पे लाया था, दूसरा आपने क्या किया न्यूट्रल कनेक्शन करके लाया, एक आपने क्या किया इस तरह से, आप कुछ समझिए, ये अगर पाइप है आपका, ये पाइप अगर बिछा हुआ है और ये आपका बल्ब है, तो आपने क्या किया था यहाँ पे, एक वायर तो आप यहाँ से
फेज के लिए लाए थे और एक इस बल्ब में दे दिए थे, है ना। और दूसरा क्या था, दूसरा आपने क्या किया था, यहाँ से न्यूट्रल लाया और यहाँ पे कनेक्शन दे दिया, है ना। यहाँ से क्या किया, ये न्यूट्रल लाया और यहाँ पे कनेक्शन दे दिए। तीसरा काम क्या किए थे आप, इसी के न्यूट्रल पॉइंट से, जो होल्डर का जो पॉइंट बना हुआ होगा उसी के न्यूट्रल पॉइंट से हम कनेक्ट करके क्या करेंगे, दूसरे बल्ब में कनेक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ से आप क्या किए थे, कुछ इस तरह से उठा के ऐसे कनेक्शन यहाँ दिए होंगे, बोलिए कुछ ऐसा। तो ये हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस बल्ब के बीच में कितना वायर हो गया, अरे यहाँ पे काटना पड़ेगा वायर को, मतलब ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लूपिंग सिस्टम बोलते हैं हम लोग, बताएंगे आगे आपको। एक, दो और तीन। तो इस पॉइंट से, मतलब ये जो बल्ब है, इस बल्ब से इस पॉइंट के बीच में कितना वायर हो गया, एक दो तीन, मतलब एक फेज और दो न्यूट्रल, बताओ। यहाँ पे हम मार्क कर दें तीन, कोई दिक्कत, हाँ। अब समझिएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना वायर आएगा, एक तो एक वायर ये हमारा हो गया न्यूट्रल, और एक आप क्या कर रहे हो, फेज ला रहे हो। ये जो वायर है आपका, इसको काउंट करके कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा एक फेज आया और यहाँ से आप न्यूट्रल लेके गए यहाँ पे, तो ये एक और दो, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो होगा कितना नंबर ऑफ वायर है, तो दो, एक दो, समझे बात को, कितना नंबर ऑफ वायर, दो। अब उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना वायर है, दो, इजीली आप कर सकते हो, दो, समझे बात को, वायरिंग डायग्राम। तो वो हो गया हमारा क्या, सिंगल लाइन डायग्राम। ये कौन सा हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम। समझ में आया बात कि कैसे हम सिंगल लाइन डायग्राम से बना सकते हैं। अब एक लास्ट बच रहा है आपका, कौन सा, सिमेट्रिक डायग्राम। ये समझ में आ गया आपको, वायरिंग डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम दोनों समझिए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को आप दो बार तीन बार करके देखिएगा, बहुत आसान है, आप इजीली समझेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी है या फिर माइंड में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर आगे मान लीजिएगा आपको पाँच बल्ब दे दिया गया, छः बल्ब दे देगा और अलग अलग स्विच सबका देगा, तो समझने में थोड़ा परेशानी होगी, ठीक है। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको कनेक्शन नहीं आता है, बाकी बहुत लोग होंगे ऐसा जिनको कि ये कनेक्शन आता होगा, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं सिमेट्रिक डायग्राम। चलिए अब तीसरा जो है, आप तीसरा मार्क कर लीजिएगा, कौन सा, सिमेट्रिक डायग्राम। देखिएगा सिमेट्रिक डायग्राम में सबसे पहला काम क्या किए, हमने दो लाइन बना दिया, एक मैंने क्या बोल दिया, फेज और न्यूट्रल, पहले ही हम डिसाइड कर लिए फेज। अब अगर आप ऊपर फेज बना लिए हो तो इसका मतलब है कि स्विच का कनेक्शन हमारा किस में होगा, इसमें ही होगा। चलो ये हमारा क्या हो गया भैया, स्विच हो गया। अब स्विच से आप क्या करोगे, दो बल्ब को कंट्रोल किया गया है, दो बल्ब को कंट्रोल किया गया, आप कुछ इस तरह से बना लो, इसको आप L1 बोल दो, इसको आप L2 बोल दो। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बनाए, ऐसा क्यों बनाए, तो हमने क्या किया था, स्विच का देखो, ये जो फेज था, फेज में हमने स्विच में, फेज स्विच में कनेक्शन दिया, ये फेज से हमने किस में, स्विच में कनेक्शन दिया। अब स्विच के दूसरे एंड से ही हमने क्या किया, दोनों बल्ब को कनेक्ट किया। ये स्विच का दूसरा एंड है, आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों कर दिए, आप ऐसा कीजिए, देखिए कोई गलती नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है सर, है ना, दोनों एक ही चीज़ है, आप समझ जाओ, समझने का फेर है आपको, है ना। तो ये हमारा क्या किया, स्विच के दूसरे एंड से इधर कनेक्शन दिए, स्विच के दूसरे एंड से इधर कनेक्शन दिए, हो गया आपको। अब यहाँ से आप कनेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, इसके न्यूट्रल से इसमें दिया, चलिए यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, यही न्यूट्रल आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, दोनों समझ में आया क्या। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल, ये क्या कहलाएगा, फेज, ये एक स्विच, इसको आप S1 बोल दो, इसको भी आप S1 नाम दे दो, इसको भी आप S1 नाम दे दो, ठीक है। वो L1 L2, ये L1 L2, ये L1 L2, हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फेज, ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक डायग्राम, क्लियर है। तो होप सो आपको तीनों समझ में आया होगा, वायरिंग डायग्राम क्या होगा, सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगा और सिमेट्रिक डायग्राम क्या होगा, ठीक है। तीनों में क्या होगा, वायरिंग डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम और सिमेट्रिक डायग्राम, तीनों आपको समझ में आया होगा। अब जो है एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए और उस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में बनाने का कोशिश कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको फिर नेक्स्ट क्लास में कि आप किस प्रकार से उसको आप बना सकते हो, ठीक। क्वेश्चन लिख लीजिए, कंट्रोल टू लैंप, बहुत आसान है,
कंट्रोल टू लैंप, लिख लीजिए कंट्रोल टू लैंप बाय इंडिविजुअल स्विच, ठीक है, बाय इंडिविजुअल स्विच। मतलब यहां पे है कि लैंप आपको कितना है, दो, और स्विच भी आपका क्या हो जाएगा, दो, ठीक है, दो स्विच है, दो लैंप है, अलग अलग कनेक्शन आपको करना है। एक बल्ब को एक लैंप सॉरी एक लैंप को या एक बल्ब को आपको एक स्विच से कंट्रोल करना है, और दूसरे बल्ब या दूसरे लैंप को दूसरे स्विच से कंट्रोल करना है। कहने का ये मतलब कि दो बल्ब है, दोनों बल्ब के लिए अलग अलग स्विच आपको यूज़ करना है। उसका आप तीनों का सिंगल लाइन डायग्राम लिख लीजिए, ड्रॉ वायरिंग डायग्राम सिंगल लाइन डायग्राम, तीसरा आप लिख लीजिए सिमेटिक डायग्राम, हो गया सिमेटिक डायग्राम, ये तीनों आप बनाइएगा, क्लियर। होप्सो बन जाना चाहिए, बना के आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, फिर मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि कनेक्शन आपका सही है कि गलत, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्लियर है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, खूब पढ़िए, खूब मस्ती कीजिए, ठीक है, और सदा मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।